हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल शौकील। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पुराने सीलिंग फैन को रिमोट वाला बनाएंगे। चाहे वो कोई भी फैन हो, किसी भी कंपनी का हो, हम उसको बिल्कुल आसानी से रिमोट वाला बना सकते हैं। बहुत ही शानदार डिवाइस यहां पर मैं बनाने वाला हूं। तो यार, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस डिवाइस को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक 4017 आईसी, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इस आईसी की पिनों को इस तरह से मोड़ देता हूं। इससे फ्रेंड्स यहां पर हमें ये फायदा होगा कि इसके कनेक्शन समझने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि इसके पिन नंबर 1, 2, 3 किस तरह से है। तो यहाँ पर ये जो कट आप देख रहे हैं, इस कट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 9, 10, 11, 12 करके यहाँ तक 16 पिने इस आईसी की है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसके कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले मैं इस आईसी को इस तरह से उल्टा कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो कट है यहाँ पर आ गया है। अब सबसे पहले हम आईसी की पिन नंबर 8 और 13 को आपस में कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से आईसी की पिन नंबर 15 और 4 को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस आईसी को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कट आपको दिखाई दे रहा है वो इस तरफ है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको कनेक्शन करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक 1838 IR रिसीवर लेंगे। ठीक है, और इसको लगाएंगे आईसी की पिन नंबर 13, 15 और 16 पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम किस तरह से इसको लगाते हैं। यहाँ पर इसकी 5 वोल्ट इनपुट पिन को आईसी की पिन नंबर 16 पे जोड़ेंगे और जो इसकी ग्राउंड वाली पिन है, ये वाली, इसको जोड़ेंगे हम आईसी की पिन नंबर 13 पे। और ये वाली जो लेग है इसकी आउटपुट वाली, इसको जोड़ेंगे हम आईसी की पिन नंबर 14 पे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक पीएफ कैपेसिटर लेंगे 104 यानी 0.1 माइक्रोफेरेड और इसको कनेक्ट करेंगे आईसी की पिन नंबर 13 और 14 पे, जहाँ पर आईआर रिसीवर का ग्राउंड और आउटपुट कनेक्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लेंगे जो कि 100 किलो ओम की है और इसको हम कनेक्ट करेंगे आईसी की पिन नंबर 14 और 16 पे। अब लेंगे हम यहाँ पर एक 5mm की LED जो कि मैंने रेड कलर की ली है। अब इसके ग्राउंड को हम कनेक्ट करेंगे, यानी इसका जो नेगेटिव है इसको हम कनेक्ट करेंगे आईसी की पिन नंबर 8 पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक और रेजिस्टेंस लेंगे 220 ओम की और इसको कनेक्ट करेंगे हम आईसी की पिन नंबर 3 और LED के पॉजिटिव के बीच। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सर्किट इतना कंप्लीट करने के बाद में हम यहाँ पर एक रिले लेंगे जो कि 5 वोल्ट की है। आप 5 वोल्ट या 6 वोल्ट दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं। अब रिले की दोनों कॉइल वाली पिनों पे हम एक डायोड लगाएंगे 4007। ठीक है, और इसको हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से। अब लेंगे हम एक BC548 ट्रांजिस्टर और इसको हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। इसकी कलेक्टर वाली पिन को हम रिले की इस पिन के साथ में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम फिर से एक रेजिस्टेंस लेंगे 220 ओम की और इसको कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर के बेस पे। अब ये सर्किट और ये वाला जो सर्किट है, इनको हम आपस में कनेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा लेंगे और इसको आईसी की पिन नंबर 13 से कनेक्ट करके और ट्रांजिस्टर के एमिटर पे कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक वायर आईसी की पिन नंबर 16 से कनेक्ट करके और रिले की इस पिन पे कनेक्ट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे हम एक 5 वोल्ट का चार्जर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर लेंगे हम एक यूएसबी केबल जिसको हमने यहाँ पर इस तरह से कट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं चार्जर के अंदर, और ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हम यहाँ पर इस चार्जर के ऊपर कुछ हम इस तरीके से फिक्स करके चिपका लेंगे। अब इस यूएसबी का जो पॉजिटिव है, यहाँ पर ये ब्राउन वाला वायर है, और ये जो ब्लू वाला है ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये जो ब्राउन वाला पॉजिटिव है, इसको हम आईसी की पिन नंबर 16 पे कनेक्ट करेंगे, और ये जो ब्लू वाला है यानी नेगेटिव, इसको हम कनेक्ट करेंगे आईसी की पिन नंबर 8 पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इस सर्किट को 5 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी। अब ये आगे किस तरह से काम करेगा, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज मैं यहाँ पर एक एक करके बताने वाला हूँ। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको इसकी बहुत ही शानदार टेस्टिंग भी करके बताऊंगा विद फैन। अब देखिए फ्रेंड्स, पंखे के पास में इस तरह का प्लग तो रहेगा नहीं जो हम इसके अंदर इस तरह से लगा ले, तो हम यहाँ पर दो वायर कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हम पंखे के साथ में इसका कनेक्शन कर सके। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं दोनों वायर इस तरह से कनेक्ट करने वाला हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हीट सिंक स्लीव के टुकड़े लेंगे इस तरह से, और इनको इन वायरों के अंदर इस तरह से डाल के फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी करंट का खतरा नहीं रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सर्किट को मैं पहले एक बल्ब के साथ में चेक कराऊंगा, और उसके बाद में इसको चेक कराऊंगा एक फैन के साथ में, यानी हम इस सर्किट को बल्ब के साथ में भी कनेक्ट करवा सकते हैं। यही नहीं फ्रेंड्स, हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी रिमोट के साथ में इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को। तो चलिए मैं आपको इसको चेक कराता हूँ, पहले एक बल्ब के साथ में, फिर एक फैन के साथ में। तो यहाँ पर मैंने एक बल्ब ले लिया है, और यहाँ पर ले लेंगे हम एक पावर केबल, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। पावर केबल के एक वायर को हम डायरेक्ट बल्ब के साथ में कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर एक बल्ब का वायर और एक ये पावर केबल का वायर, इसको हम कनेक्ट करेंगे रिले के नॉर्मल क्लोज और कॉमन पे। तो चलिए फ्रेंड्स, बल्ब के नीचे कुछ रख देते हैं, क्योंकि यार बल्ब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और यहाँ पर यह मैट ख़राब भी हो सकती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये दोनों वायर और ये प्लग इस तरह से एक पावर बोर्ड के अंदर लगा लेंगे 220 वोल्ट एसी के साथ में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कोई भी रिमोट ले लेता हूँ, और देखिए ये किस तरह से काम करेगा। ठीक है, कोई भी बटन दबा लीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं इस रिमोट का मुंह किधर भी कर लूंगा, और ये बिल्कुल आसानी से काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस डिवाइस की जो रेंज है रिमोट के साथ में, वो काफी दूरी के साथ में इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रिमोट की जो रेंज है वो 20 से 25 मीटर रहेगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको इसकी बहुत ही शानदार टेस्टिंग कराने वाला हूँ विद सीलिंग फैन। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो दोनों वायर है, इनको अलग अलग नहीं लगा के हम इसके साथ में डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट पावर मिल जाएगी इसको। ठीक है, तो अब फिलहाल फ्रेंड्स, हम इसको फैन के साथ में इसी तरह से कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये रहा मेरे पास फैन, जो कि एक सीलिंग फैन है, थोड़ा सा पुराना है फ्रेंड्स, लेकिन खैर कोई नहीं, हमें तो पुराने फैन को ही रिमोट वाला बनाना है। ठीक है, तो चलिए इस बल्ब को तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और फैन को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं इसी तरीके से।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो फैन है इसके ये दोनों वायर पावर के हो गए, और यू मान के चलिए ये जो दोनों वायर है, ठीक है, ये छत के अंदर पावर के हो गए सीलिंग फैन के लिए। अब देखिए एक वायर यहाँ पर एनओ पे कनेक्ट है, ठीक है, रिले की एनओ पे, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो दोनों वायर है इनको भी हम पावर के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए पहले मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूँ, दोनों वायरों को, जो चार्जर के दोनों वायर है उनको। अब देखिए इस सर्किट को हम सीलिंग फैन के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों वायरों में से जो सीलिंग फैन के दोनों वायर है इनमें से एक को हम इस रिले की कॉमन पे लगा देंगे और एक वायर को हम डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, इस पूरे सर्किट को आप कवर भी कर सकते हैं किसी पॉलीथीन कवर के अंदर, या फिर अपने हिसाब से जो भी आपको उचित लगे। और अब हम इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं टेप लगा देता हूँ। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस सर्किट को टेप के द्वारा इस तरह से सेट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस सर्किट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, यानी अच्छे से सेट कर दिया है। आप चाहे तो इसको कंडेंसर के पास में भी सेट कर सकते हैं, यानी इस तरफ, ठीक है, जहाँ भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस सीलिंग फैन को आपको अच्छे से टेस्टिंग करके बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फैन को कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं इस तरीके से, यह रहा हमारा पावर बोर्ड, और यहाँ पर हमने इस तरीके से फैन को लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर यह देखिए सर्किट लगा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर चालू करके देखेंगे रिमोट से। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिमोट आप ले सकते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पावर बोर्ड से इस स्विच को हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं इस फैन को ऑन कर देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फैन यहाँ पर हमारा चालू हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस फैन को मैं किसी भी स्विच के द्वारा बंद कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारा ये फैन बंद और चालू हो जाएगा रिमोट के द्वारा। तो चलिए अब मैं इस रिमोट को दूर से कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, अब रिमोट से हम इस फैन को यहाँ से कनेक्ट कराएंगे, देख सकते हैं हमारा फैन चालू हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ, तो आपको आवाज भी आ रही होगी फैन की, क्योंकि काफी पुराना फैन है फ्रेंड्स। वैसे तो ये और भी दूर से इसको कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 से 25 मीटर तक इसकी रेंज है, यानी उस डिवाइस की। तो चलिए यहाँ पर मैं वापस से इसको बंद कर देता हूँ, और आपको वहां पर दिखाई भी दे रही होगी इसकी जो LED हमने लगाई थी, वो हो सकता है आपको कैमरे में दिखाई नहीं दे रही हो। तो चलिए हम इसको बंद कर देते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा फैन बंद हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पर ये देखिए फैन बंद हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो LED है, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो ये भी यहाँ पर ग्लो हो जाएगी, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रबड़ शीट नहीं लगी हुई कड़े के अंदर, इसलिए हमारा ये फैन झटके के साथ में चल रहा है, और आपको यहाँ पर LED दिखाई दे रही होगी। अब जैसे ही मैं वापस से इस फैन को बंद करूँगा तो LED भी यहाँ पर बंद हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये रिमोट कंट्रोल डिवाइस बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर कीजिएगा, हो सकता है उनकी भी कुछ हेल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।